गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंटर ड्यूज महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के छठवें दिन गौतम स्पोर्टिंग पुल डी में गौतम स्पोर्टिंग व केंद्रीय विद्यालय नंबर एक के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। आपको बता दें कि पहला मैच गौतम स्पोर्टिंग व केंद्रीय विद्यालय नंबर एक के मध्य खेला गया। मैच के प्रारंभ के तीसरे और पांचवें मिनट में अभिषेक और विशाल ने ताबड़तोड़ गोल करके गौतम स्पोर्टिंग को 2-0 की बढ़त दिला दी। इसके पश्चात मैच के निर्धारित अवधि में कोई भी गोल नहीं हो सका। गौतम स्पोर्टिंग 2-0 से विजयी रही। वही दूसरा मैच टाउन क्लब बासगांव व NFS चरगावा के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 24वें मिनट में चंद्रकेतु ने पहला गोल करके अपनी टीम NFS चरगावा को 1-0 से बढ़त दिला दी, परंतु यह बढ़त ज्यादा समय तक बना ना रह सका। 26 मिनट में बासगांव के ऋतिक सिंह ने बराबरी का गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। अंत में दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर छूटी। इस मैच के निर्णायक VK चौबे, अमरनाथ रहमतुल्लाह व विकास रहे। इस अवसर पर गोरखपुर फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी, NP गौड़, हमजा खान, अश्विनी कुमार यादव, संजय शाहनी, गौतम सरकार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, अबे कोई है खेल रही है क्या? केवी टू जल्दी नहीं लगे टू लगा मैच में वही तो बात हाँ, ये ग्रुप डी का मैच है, गौतम स्पोर्टिंग और केंद्रीय विद्यालय वन जो सेंट लुइस कॉलेज पे है, ये सेंट लुइस महाविद्यालय ग्राउंड पे, जिसमें गौतम स्पोर्टिंग की टीम मध्यांतर के पूर्व 2-0 से आगे थी और तीसरे मिनट पे ही उनके खिलाड़ी अभिषेक ने गोल किया और उनके फिर पाँचवें मिनट पे उनका खिलाड़ी विशाल कुमार गुप्ता ने गोल किया। मध्यांतर तक वो टीम 2-0 से आगे थी और उसके मध्यांतर के बाद फिर ये आपके समक्ष ये मैच खेला जा रहा है। दोनों सुने आगे बढ़त बनाए हुए गौतम स्पोर्टिंग की टीम और इसके तुरंत बाद ग्रुप सी का मैच होना है, बासगांव टाउन क्लब बासगांव और स्टार क्लब भगवानपुर के बीच। ये दोनों टीमें रूरल एरिया की हैं लेकिन फुटबॉल यहाँ बहुत अच्छा है। वो दोनों टीमें अभी मैच आपके समक्ष खेला जाना है।